मुझे प्रातः काल अपना प्रेम दिखा, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं, मुझे सन्मार्ग की शिक्षा दे, क्योंकि मैं अपनी आत्मा को तेरी ओर अभिमुख करता हूं। प्रभु, तू प्रातः काल मेरी पुकार सुनता है, मैं प्रातः अपना चढ़ावा सजाता हूँ और प्रतीक्षा करता रहता हूँ। तेरी शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करती और मेरा पथ आलोकित करती है। आज का पवित्र वचन। पहला पाठ, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 1 से 19 तक। प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी, अथ गर्त पर अंधकार छाया हुआ था और ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। ईश्वर ने कहा, प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। ईश्वर को प्रकाश अच्छा लगा और उसने प्रकाश और अंधकार को अलग कर दिया। ईश्वर ने प्रकाश का नाम दिन रखा और अंधकार का नाम रात। संध्या हुई और फिर भोर हुआ, यह पहला दिन था। ईश्वर ने कहा, पानी के बीच एक शत बन जाए, जो पानी को पानी से अलग कर दे, और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने एक शत बनाई और नीचे का पानी और ऊपर का पानी अलग कर दिया। ईश्वर ने शत का नाम आकाश रखा। संध्या हुई और फिर भोर हुआ, यह दूसरा दिन था। ईश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का पानी एक ही जगह इकट्ठा हो जाए और थल दिखाई पड़े, और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने थल का नाम पृथ्वी रखा और जल समूह का नाम समुंदर, और यह ईश्वर को अच्छा लगा। ईश्वर ने कहा, पृथ्वी पर हरियाली लहलहाए, बीजदार पौधे और फलदार पेड़ उत्पन्न हो जाए, जो अपनी अपनी जाति के अनुसार बीजदार फल लाए, और ऐसा ही हुआ। पृथ्वी पर हरियाली उगने लगी, अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज पैदा करने वाले पौधे और बीजदार फल देने वाले पेड़, और यह ईश्वर को अच्छा लगा। संध्या हुई और फिर भोर हुआ, यह तीसरा दिन था। ईश्वर ने कहा, दिन और रात को अलग कर देने के लिए आकाश में नक्षत्र हो, उनके सहारे पर्व निर्धारित किए जाए और दिनों तथा वर्षों की गिनती हो। वे पृथ्वी को प्रकाश देने के लिए आकाश में जगमगाते रहे, और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने दो प्रधान नक्षत्र बनाए, दिन के लिए एक बड़ा और रात के लिए एक छोटा, सात सात तारे भी। ईश्वर ने उनको आकाश में रख दिया, जिससे वे पृथ्वी को प्रकाश दे, दिन और रात का नियंत्रण करे, और प्रकाश तथा अंधकार को अलग कर दे, और यह ईश्वर को अच्छा लगा। संध्या हुई और फिर भोर हुआ, यह चौथा दिन था। प्रभु की वाणी, ईश्वर को धन्यवाद। संत मरकुस का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 53 से 56 तक। समुद्र के उस पार
गनेसरेत पहुंचकर उन्होंने नाव किनारे लगा दी। ज्यों ही वे भूमि पर उतरे, लोगों ने ईसा को पहचान लिया और वे सारे प्रदेश से दौड़ते हुए आए। जहाँ कहीं ईसा का पता चलता था, वहाँ वे चारपाइयों पर पड़े रोगियों को उनके पास ले आते थे। गांव, नगर या बस्ती, जहाँ कहीं भी ईसा आते थे, वहाँ लोग रोगियों को चौकों पर रख कर अनुनय विनती करते थे कि वे उन्हें अपने कपड़े का पल्ला भर छूने दे। जितनों ने उनका स्पर्श किया, वे सब के सब अच्छे हो गए। प्रभु का सुसमाचार। ख्रीस्त की जय।